देखिए, मैं आई थिंक कल भी मैंने ट्विटर पे बात की थी कि ये पिक्चर्स को कहीं और लेके जा रहे हैं। मैंने परफॉर्मेंस या टीम पे ड्रॉप होने की वजह से तो रिटायरमेंट दी नहीं थी, मेरा इशू कुछ और था। जैसे आई थिंक कल विकी भाई ने मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया, उन्होंने कहा कि जी आमिर के बयान से मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, बल्कि मुझे खुशी हुई है कि उनको ये एहसास हुआ कि किसी के गलत या जो भी बयान होते हैं वो किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं। तो मेरे तो गलत नहीं थे, मैंने तो सच बोला, तो उनको तकलीफ़ हुई है। लेकिन जब से ऑस्ट्रेलिया सीरीज टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई थी, अगर आप सबको याद हो, तो कभी वो कह रहे हैं डिच कर गया, कभी कह रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट उसने वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो खेलना ही नहीं चाहता। तो ये बयान हाथ पीछे जो थे, जो मुझे दुख दे रहे थे, जो मुझे मेंटली अपसेट कर रहे थे, ये इशू ही नहीं था। देखिए, एज अ क्रिकेटर मुझे सबक पढ़ाया जा रहा है कि वो जी उसको तो चाहिए था कि वो जाता और डोमेस्टिक में जाता, परफॉर्म करता, आ जाता। भाई, क्रिकेटर को पता होता है कि जब वो परफॉर्म नहीं करता, उसने जाके जो अपॉर्चुनिटी होती है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है या कोई लीग है, उसने जाके वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। और सबर का पैमाना मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला था, 2010 से 2015 तक, जब मुझे पता था कि मैं बॉल को भी हाथ नहीं लगा सकता था, तो तब मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये सीन कुछ और था कि मैं परफॉर्मेंस की वजह से मुझे ड्रॉप किया और मैं हिम्मत हार गया और मैं जो है मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कितने लेजेंड्स हैं जिनके 15-15, 20-20 कमबैक हुए पाकिस्तान क्रिकेट में। तो ये तो एज अ क्रिकेटर जब हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो हम यही सीखते हैं कि भाई परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे, नहीं करेंगे तो हम जाएंगे डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, वापस आ जाएंगे। ये तो कोई इशू ही नहीं था। इशू ये था, हाँ, परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं फिर कि जी परफॉर्मेंस का इशू था, तो फिर मुझे ये बता दें, जब मैं बांग्लादेश लीग में खेल रहा था और मैंने 21 आउट किए थे, तो अगले दिन टीम अनाउंस होती है और मैं टीम में नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। और अगर कह रहे हैं वो पर्सनल नहीं था तो मेरे से बात करनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था कि भाई मुझे क्यों ड्रॉप किया, मुझे तो नहीं पता था मैं टीम से ड्रॉप था। और मैं तो परफॉर्मेंस को तो ये खुद लेके आ रहे हैं और मैं परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं बताया गया था। दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस की बात मुझे नहीं समझ आती कि 3-4 मैचेस या 5 मैचेस पे कहते परफॉर्मेंस नहीं थी, परफॉर्मेंस नहीं थी, तो फिर तो इस तरह के बहुत सारे जिनको एक मैच पे पाकिस्तान खिला दिया गया, अब बेचारों उनके साथ भी ज्यादती है टू बी ऑनेस्ट, कि एक मैच पे आप पाकिस्तान खिला देते हैं और उसके बाद अगर वो 2 मैचों में ना करे तो वो कहते हैं कि जी खुदा हाफिज़ घर जाएं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी एज अ क्रिकेटर मुझे पता है कि भाई मैं परफॉर्म करूँगा तो वापस आ जाऊँगा, ये नहीं था। दूसरा, पर्सनल नहीं था, तो फिर जब स्टेटमेंट्स आती हैं जी, हमने उन्हीं को प्रेफर किया जो तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल हैं, हमने उन्हीं को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जिन्होंने रेड बॉल खेलनी है, तो ये फिर क्या था। और जब मैं टीम से बाहर होता था तो बात तो नहीं करते थे कि हाँ जी क्यों किया, रीज़न क्या था। अब वो बता रहे हैं जी, वो मिसबा भाई ने बताया कि जी उसकी पेस नीचे आ गई थी। तो भाईजान, मैंने अपनी फिटनेस को देख के, अपनी सारा कुछ क्या कहते हैं इंजरीज को देख के, अपनी परफॉर्मेंस को देख के, क्योंकि मेरी पेस दिन ब दिन आ रही थी नीचे, क्योंकि इंजरीज की वजह से मैं 20 दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं वर्ल्ड कप भी स्पैजम में खेला था। और अगर आप रिसेंटली देखें, जब आपकी बॉडी रिकवर होती है, फ्रेश माइंड से खेलते हैं, मैं श्रीलंका में जाके मैंने 145 पे भी बॉलिंग की है। जब आप मेंटली फ्रेश होते हैं, जब आपको फ्रीडम दिया जाता है, तो ये होता है। बाकी परफॉर्मेंस का मैंने ये आप खुद लेके आ रहे, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस को डिस्कस ही नहीं कर रहा था। क्रिकेटर ठीक है, आप बाहर होते हो, अंदर आते हो, बहुत सारे यूनुस भाई कितनी दफ़ा बाहर हुए, उन्होंने कमबैक किया, आज हम उनको लेजेंड्स कहते हैं, क्योंकि ये क्रिकेटर का हिस्सा होता है कि उसने बाहर होना है, वो मेहनत करता है, जाके कमबैक करता है। और यूनुस भाई, शाहिद भाई, यूसुफ भाई, कितने लोगों के कमबैक्स हुए। तो इसमें मुझे ये नहीं था कि भाई कि मैं परफॉर्मेंस से बाहर हुआ, ओ हो मुझे टीम से बाहर किया तो अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होता भाई। मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला, मैंने तब सब्र रखा था, तो अब मुझे पता था कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं कमबैक कर सकता हूँ। आप यहाँ पे एक मैच पे पाकिस्तान खिला सकते हैं लड़कों को, तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। फिर मैं तो, मुझे अल्लाह ने इतनी स्किल्स दी हैं, मुझे अपने आप पे इतना बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ और मैं परफॉर्म करके वापस आ सकता था। ये इशू ही नहीं था। इशू ये था, जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हैं तो आप कहते हैं जी हमने तो उन्हीं को रखना है, तीनों फॉर्मेट खेलने वालों को जो पाकिस्तान को अवेलेबल है। तो आपने तो एक एक फॉर्मेट वालों को दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैं तब भी नहीं बोला। फिर आपने बोला जी हम टूर पे उनको लेके जा रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में हमें अवेलेबल हो, अच्छा जी, मैं तब भी नहीं बोला। फिर आप, जब मैं लीग खेलने जाता हूँ, जब मुझे मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं, चलो मैं कहता हूँ कि यार मैं वहाँ पर जाके परफॉर्म करता हूँ, तो वही अपॉर्चुनिटी है कि मैं परफॉर्म करूँ, मैं टीम में वापस आ जाऊँ। वहाँ पर आपसे सहाफ़ी कोई सवाल करता है किसी प्लेयर के वर्कलोड का, आप कहते हैं नहीं जी मोहम्मद आमिर ने तो वर्कलोड से नहीं छोड़ा, वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता। तो आपको कैसे पता कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता। इसी तरह जिस तरह आप कह रहे कि नो आमिर ने ये गलत बयान दे दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ था, मैं भी मेंटली अपसेट हुआ था। मेंटली टॉर्चर इसी को कहते हैं जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर को जो है ना साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं, मैं वो मेंटल टॉर्चर का मतलब था। और कोई ना, परफॉर्मेंस का मुझे कोई इशू नहीं है भाई, मैं परफॉर्मेंस करता मैं वापस आ जाता, कोई इशू नहीं। मैं कितनी दफ़ा मिकी के दौर में भी टीम से बाहर हुआ एशिया कप से, उसके बाद आया मैं डोमेस्टिक खेला, परफॉर्म किया, मैं साउथ अफ्रीका के टूर पे चला गया, इसका कोई इशू नहीं था। आप पिक्चर को कहीं और लेके जा रहे हैं, मैंने आके सच बताया था भाई मेंटली ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं खेल सकता। और
मेरा स्टांस भी यही रहेगा, जो इनका माइंड सेट है इस माइंड सेट के साथ मैं नहीं खेल सकता। और दूसरा ये है कि आप पता नहीं कितने, आपने तीनों की सुनी है, बाकी जो आपके दोनों कोचिज हैं इनकी आपस में ही नहीं बात बन रही। वो एक कहते हैं 150 की पेस से बॉल करने से कुछ नहीं होता, 20 आउट करने पड़ते हैं। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है, 20 आउट करने पड़ते हैं। एक तरफ आपके हेड कोच कहते हैं वो नहीं, आमिर की 85 से 81 पे पेस आ गई थी, हमने इसलिए ड्रॉप कर दिया। तो पहले तो आपस में सही हो लें, फिर आमिर को सबक पढ़ाएं कि जी जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करते वो टीम में आ जाते। तो जो आपकी फिर परफॉर्मेंस है, आप पहले अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, फिर आपको भी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए कि टीम के हालात क्या हो गए, टीम क्या थी और टीम कहाँ से कहाँ चली गई। आपको भी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे एज अ क्रिकेटर पता है कि मुझे क्या करना है, आप तो आके एक्सक्यूज दे रहे हैं कोविड था, फलाना था, डिमकाना था। तो कोविड तो सबके लिए, सारी टीमों के लिए, इंडिया के लिए भी है, इंडिया भी कोविड में खेला है। तो आप अपने एक्सक्यूजेस प्लेयरों पे ना डाला करें। प्लेयर को पता होता है, प्लेयर को एक चीज़ चाहिए होती है, प्लेयर को फ्रीडम चाहिए होता है। प्लेयर को फ्रीडम के साथ खेलने दें उनके साथ, जब तक आप फ्रेंडली माहौल नहीं रखेंगे, प्लेयरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपकी टीम कभी परफॉर्म नहीं करेगी। आप अगर यही माइंड सेट रखेंगे, क्योंकि मैं रिटायरमेंट दे चुका हूँ और मेरा फैसला भी यही रहेगा, इस टीम मैनेजमेंट के साथ मैं कभी नहीं खेलूंगा, ये मेरा डन एंड डस्टेड फैसला। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा इस माइंड सेट को थोड़ा चेंज कर लें, शायद जो हमारे यंगस्टर्स हैं बेचारे, वो डर से बाहर निकल आएँ, वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। हमारे सारे प्लेयर टैलेंटेड हैं, जितने भी हैं, फहीम है, शहीन है, अब्बास है, ये सारे अच्छे बॉलर्स हैं। आप इनको फ्रीडम दें भाई, इनको ना साइडलाइन करने की कोशिश करें, इनको जब तक आप भाइयों की तरह, फ्रेंड्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ये ग्राउंड में कभी भी जाके एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जब ड्रेसिंग रूम में आप माहौल ड्रोना बना के रखेंगे, प्लेयर की और टीम की यही परफॉर्मेंस आएगी। आप एज अ टीम लेके चलें, आप अपनी ईगो को ज़रा साइड पर रखें, जो सीधी सी बात है। मैंने आके सच बोला था, मैंने परफॉर्मेंस की बात नहीं की थी, कि मैं यही बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं है। परफॉर्मेंस की बात होती तो फिर मैंने कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करवाई हैं, वो मुझे बताते जब मैं बांग्लादेश से। आप इस जेस्चर को, कि मेरा दिल और टीम के दरवाजे, ये तो आप उन्होंने मीडिया पे आके बात की है ना, दिल उनका कुछ और कहता, अगर दिल उनका कुछ और कहता तो मेरे से डेफिनेटली पहले भी बात करते, जिस तरह साइड पे आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे थे। और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीसीबी उनको निकाले, बिल्कुल उनको रखे, पीसीबी का एक सिस्टम है, उनको सिस्टम के तहत लेके आए। वो देखे एज अ क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, विकी भाई लेजेंड रहे हैं क्रिकेट में, मिसबा भाई बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, लेकिन जो माइंड सेट होता है ना मैनेजमेंट का प्लेयर्स के साथ, ये एक डिफरेंट कोचिंग है भाई, ये डिफरेंट एक एजुकेशन है। कि मैं भी आप कहूँ कि जी मैं, मुझे थोड़ी बहुत बॉलिंग आती है तो मैं फलाने बॉलर को सिखा सकता हूँ, मैं नहीं सिखा सकता उसके लिए भाई, जाके मुझे एक टेम्परामेंट, एक एजुकेशन लेनी पड़ेगी कि मैंने प्लेयर के साथ हैंडल कैसे करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा कोच है वो अच्छा मैनेजमेंट भी में भी जाके अच्छा डिलीवर करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस माइंड सेट, जो इनका माइंड सेट है, इस माइंड सेट के साथ मैं खेल सकता हूँ, आई डोंट थिंक सो। चले चले, वो बेचारे क्या पता किस सेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मैंने पहले भी बात की है और आज भी कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ जो सामने अप फ्रंट की है, क्या कहते हैं, हेल्प की है मेरी या सपोर्ट की है, वो सेठी साहब थे और लाला थे। इसके अलावा कोई भी नहीं था पीछे बैठ के, जो पता नहीं क्या करते रहे बंद कमरे में। अभी आके कहते हैं कि आमिर के साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं था, लेकिन हमें पता होता कि पर्सनल क्या होती हैं, वो चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं कि पर्सनल इश्यूज़ पे कैसे साइड पे किया जाता है। बाकी मुझे अप फ्रंट जो सपोर्ट किया वो सेठी साहब ने किया और लाला ने किया, वो मैं हमेशा कहता रहूँगा और इस चीज़ को मैं कभी भूलूंगा नहीं। बाकी वो जो मर्ज़ी कहते, मैं भी कह सकता हूँ कि जी मैं तो कल प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा या मैं प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब बनने के, ये कोई भी अपने मुँह से कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो वो कहते रहे, उन्होंने शायद किया हो, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता, उन्होंने फ़ाइट किया हो, शायद किया भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरे सामने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो शाहिद भाई थे और सेठी साहब। अच्छा, देखिए मेरा स्टांस सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ना मैं बोर्ड के सिस्टम से बड़ा हूं, ना मैं क्रिकेट से बड़ा हूं, ये सबके माइंड में बात होनी चाहिए। लेकिन मैंने जो मैनेजमेंट के माइंड सेट की बात की है, ये मेरे, मुझे नहीं लगता कि मैं एज अ क्रिकेटर इस मैनेजमेंट में आके मैं डिलीवर कर सकता हूँ। जब मुझे पता है कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ या इस माइंडसेट के साथ डिलीवर नहीं कर सकता, तो मैं क्यों आके किसी लड़के की जगह मारूं या अपना टाइम भी वेस्ट करूं? क्योंकि जब आप एज अ क्रिकेटर, मैं बिलीव करता हूं, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें, जब तक वो क्रिकेट को, ड्रेसिंग रूम को इंजॉय नहीं करता, उस माहौल को मेंटली फ्रेश नहीं होता, वो कभी डिलीवर नहीं कर सकता। आप जितने मर्जी प्लेयर उठा के देख लें, जब बंदा उसकी फॉर्म नहीं लगी होती, फॉर्म लगने ना लगने का मतलब क्या होता है, कि वो मेंटली डाउन होता है। तो जब बंदा मेंटली डाउन होता है तो वो अच्छी तरह डिलीवर नहीं कर सकता, उसके साथ जो अराउंड पीपल होते हैं उन्होंने उसको उठाना होता है। यहाँ पे एक प्लेयर एक इनिंग में या दो मैचेस में कुछ ना करे तो मॉर्निंग विंजिंग शुरू हो जाती है, की कर रहे हैं, ओ की कर रहे हैं। तो ये तरीके नहीं चलते। और ना आपने जैसे बोला कि मैं ना पाकिस्तान से बढ़ाऊँ, ना मैं क्रिकेट से बढ़ाऊँ, ना बोर्ड के सिस्टम से बढ़ाऊँ, लेकिन मैंने जो माइंड सेट की बात की है, ये हमेशा मेरा यही स्टांस रहेगा, मैंने इस मैनेजमेंट के माइंड सेट के साथ मैं नहीं खेल सकता।